नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में होमगार्डों ने दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। जवानों ने काली पट्टियां बांधकर आप सरकार का विरोध किया। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मनोज ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वह होमगार्डों की मांगों को पूरा करेंगे। वहीं जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं, उनकी पुरानी पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुलाजिमों की छठे वेतन आयोग की मांगों को भी पूरा किया जाएगा। मनोज ने बताया कि पंजाब में आपकी सरकार तो बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होमगार्डों को भूल गए। अब कुछ दिन पहले उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। मनोज ने बताया कि पंजाब में आपकी सरकार बनाने के लिए वह लोग पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शहर तक में भगवंत मान के लिए प्रचार करने गए थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री होमगार्डों को भूल चुके हैं। आप पार्टी ने होमगार्डों से सरकार बनाने के लिए समर्थन लिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं की। मनोज ने कहा कि पंजाब में सरकार बनाने के लिए होमगार्डों को इस्तेमाल किया है। पंजाब के होमगार्डों ने ऐलान किया कि हिमाचल और गुजरात में आप पार्टी का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सोमवार को चौक चौराहों और थानों में जवानों ने काली पट्टियां बांधकर रोष जाहिर किया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।